जिनका नाम सेठ सुलोचन। काफी समय बीत जाता है लेकिन सेठानी के द्वारा कोई संतान नहीं है। प्रिय बंधु ध्यान दीजिएगा, काफी समय बीत जाने के बाद सेठानी के द्वारा एक पुत्री का जन्म होता है, एक बिटिया का जन्म होता है। और जब पुत्री का जन्म हुआ, बिटिया का जन्म हुआ, सेठ सेठानी बड़े प्रसन्न हैं। विचार करते हैं कि इस बिटिया से ही मुझे सारे सुख मिलेंगे। अरे बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये बेटी ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। बहुत प्रसन्न है सेठ सेठानी। प्यारे बंधुओं, उस बिटिया का नामकरण कराया जाता है और उस बेटी का नाम श्यामा रखा जाता है। सेठ सेठानी अपार धन संपत्ति लुटा रहे हैं, बिटिया के जन्म से बड़ी प्रसन्नता आई उनके जीवन में। माताओं बहनों, सेठ सेठानी अपनी बिटिया के पालन पोषण में लग जाते हैं और धीरे धीरे वो बिटिया बड़ी होने लगी। माताओं बहनों, वो बेटी श्यामा धीरे धीरे 16 वर्ष की हो जाती। 16 वर्ष की हो गई श्यामा, हर प्रकार से श्यामा के जीवन में खुशहाली है, खुशियां हैं। किसी भी प्रकार का दुख उसके जीवन में नहीं आने देते हैं सेठ सेठानी। दिन रात सोचते रहते हैं कि ये बिटिया ही मेरे जीने का सहारा है और इस बिटिया से ही मुझे सारे सुख मिले। क्या होता है, जब बेटी श्यामा 16 वर्ष की हो जाती है तो सेठ सेठानी मन में विचार करने लगे कि अब बेटी सयानी हो गई है, इससे घर से बाहर आना जाना अपनी बिटिया का हम बंद कर दे। हर माता पिता ये सोचता है जब बेटी सयानी हो जाती है तो बाहर आना जाना, घूमना फिरना, थोड़ा इसमें रोक लग जाता है। सेठ सुलोचन ने भी वैसा ही किया। सेठ सेठानी बैठे हुए हैं अपने महलों में, किस प्रकार से भी बातचीत कर रहे। सेठ कहने लगे, सेठानी जी, अरे बताओ। सेठानी जी बताओ, बिटिया का क्या हाल चाल? अरे सेठ जी, बिटिया के तो हाल चाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेठ जी एक बात है। बोलो। अपनी जो बिटिया है श्यामा, हाँ, वो आज शादी के लायक हो चुकी है सेठ जी। अच्छा। हाँ, उसकी शादी कहीं सुंदर बर ढूंढ करके सेठ जी उसकी शादी कर दी जाए। प्रिय बंधुओं, सेठ सेठानी मन में विचार कर रहे हैं कि बिटिया तो शादी योग्य हो गई है, अब बिटिया की हम कहीं ना कहीं शादी कर देते हैं।
सेठानी कहने लगी सुनो सेठ से कि बिटिया हुई गई सयानी। सुन रहे हो सेठ जी, हो बिटिया हुई गई सयानी और ढूंढी ना सजनवा पर बुलाते हैं कि देखते मेरी बेटी श्यामा क्या कर रही है। और जैसे बिटिया को आवाज लगाई, बिटिया पास में आई, बिटिया श्यामा बड़ी ही सुंदर हो चुकी है, शादी के योग्य हो चुकी है। कैसे भैया की सुंदर मुखड़ा है बिटिया को और भैया ध्यान भी सारी नहीं जान। सुंदर चेहरा के पास आ गई और बोल पड़ी, कहो मैया किसने मुझे बुलाया बेटी। आज सेठानी कहने लगी बिटिया श्यामा सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो बिटिया अब तुम सयानी हो चुकी हो, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि घर के बाहर आना जाना बंद करो। बाहर जाकर के बाग बगीचों में जो तुम अपनी सखियों के साथ में खेलती रहती हो ये बंद करो, अब तुम घर में ही रहो, जो तुम्हें चाहिए वो घर में मिलेगा, आज से तुम्हें घर से बाहर आना जाना बंद। ठीक है बिटिया, ना तो तुम घर के बाहर जा सकती हो और ना तो घर के बाहर की कोई भी सखी सहेली तुमसे मिलने आ सकती। ठीक है, घर में रहो। आज सेठ सेठानी किसी जरूरी काम से बाहर चले जाते हैं। चलो सेठ, श्यामा उदास हो गई, मन में सोच रही मैंने कोई गलती भी नहीं की, अरे मैंने कोई गलती भी नहीं की और मेरे माता पिता ने मेरा बाहर आना जाना क्यों बंद कर दिया, ये सोच रही है मन।
अरे सोचती बिटिया सेठ की मेरे भैया, ओ सोचती बिटिया सेठ की मेरी भैया, काहे बबुला की हो है हमें कहे और मन में विचार करती है कि मैंने कोई गलती भी नहीं की, मेरे माता पिता ने बाहर आने जाने से क्यों रोक लगा दी बाहर आने जाने में, सोच रही है क्या? अरे खाना माना सबा ताजी दियो मेरे बहना, ओ खाना माना सबा ताजी दियो मेरे दाना, बापो चेहरा तो भावो है उदास, श्यामा दिन रात चिंतित रहने लगी, उदास रहने लगी और घर में ही रहने लगी, बाहर उसका आना जाना बंद हो जाता। माताओं बहनों होता क्या है, एक दिन की बात है कि सेठ सुलोचन के बाग में, जो बाग को रखवाली करने वाला था, सेठ सुलोचन के घर का जो माली था जिसका नाम था पुष्पक, एक दिन वो पुष्पक माली बीमार पड़ जाता है। पुष्पक माली का काम था फल फूल साग सब्जी लेकर सेठ के घर में आना। पुष्पक माली बीमार हो गया और उसने अपने बेटा सुधाकर को अपने पास में बुलाया। पुष्पक माली का बेटा जिसका नाम था सुधाकर, जो शादी के योग्य था, उसको अपने पास में बुलाया और समझा कर कहा, बेटा जाओ सेठ के घर चले जाओ और ये फल फूल साग सब्जियां दे करके आओ। सुधाकर चल देता है, कैसे भैया? कि था नाम सुधाकर सुभा और था नाम सुधाकर सुनुभा, सुधाकर पहुंच जाता है सेठ सुलोचन के घर, आवाज लगाता है और घर के अंदर प्रवेश करता है। सेठ सेठानी उस समय घर पर नहीं थे। जैसे ही सुधाकर घर के अंदर पहुंचता है तो श्यामा घर में मौजूद मिलती है। सुधाकर ने कहा, अरे बहन मैं फल फूल और साग सब्जी लेकर के आया। श्यामा कहने लगी, कौन हो तुम? सुधाकर कहने लगा, मैं तुम्हारे घर में जो माली का काम करते हैं वो मेरे पिताजी।
आज मेरे पिताजी कुछ बीमार हैं, इसलिए फल फूल साग सब्जी लेकर के मैं आया। श्यामा ने कहा ठीक है रख दो। सुधाकर ने फल फूल साग सब्जियों को रख दिया और चलने को वापस होता है। आगे बढ़ा तो श्यामा बोल पड़ी रुक जा, प्रिय बंधो। श्यामा लड़की जिसके माँ बाप को कितनी आशाएं थी उस लड़की से, इकलौती बेटी है अपने माता पिता की, ना और कोई भाई ना और कोई बहन। माता पिता दिन रात सोचते थे कि मेरी बेटी मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, हमें अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से करना है। दिन रात ये सेठ सेठानी सोचते रहते हैं। लेकिन आज वो लड़की जब उस माली के पुत्र सुधाकर को देखती है तो गलत भावनाएं आ जाती हैं उस लड़की के मन। सुधाकर कहने लगा, बहन मुझे जाने दो, क्या काम है बताओ, किसने मुझे रोक रोक। श्यामा कहने लगी, सुधाकर एक बात कहना चाहती हूं। बोलो बहना। सुधाकर हाँ, ये तुम्हारा जो सुंदर रूप सुंदर मुखड़ा है मेरे मन में बस गया। अरे बहना हाँ, ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। सुधाकर कहने लगा, बहन जरा सोचो सही से, तुम कहाँ एक सेठ की बेटी और मैं कहाँ एक माली का बेटा, मैं तुम्हारे घर में रहने वाले एक नौकर का बेटा हूँ, अरे कैसे संभव हो सकता। मुझे माफ करो बहन, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता को पता चल गया, अगर सेठ जी को पता चल गया तो मुझे फांसी पे लटका दे। सुधाकर आगे बढ़ा, बोला मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ करो। लेकिन आगे बढ़ती है श्यामा और बोली, नहीं शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी मेरे साथ। सुधाकर बहुत विनती करता है, बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। सुधाकर बार बार विनती करता है कि बहना मुझे जाने दो, अरे अगर ये सेठ को पता चल गया तो मुझे फांसी पे चढ़वा देंगे, तुम कहां एक सेठ की बेटी मैं कहां एक माली का बेटा। लेकिन वो श्यामा नहीं मानी और बोली, ठीक है तुम्हें मरने का डर है, तुम सोच रहे हो अगर सेठ सेठानी को पता चल जाएगा तो हमें फांसी पे चढ़वा देंगे, तो सुनो मेरी बात, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो भी मैं तुम्हें फांसी पे चढ़वा दूंगी, मैं झूठा इल्जाम लगा के तुम्हें फांसी पे चढ़वा दूंगी, इसलिए मेरी बात मानो। सुधाकर चक्कर में पड़ गया, क्या करता, मजबूर होकर के श्यामा की बात को मंजूर कर लेता। बोला ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर है, अगर मैं हाँ करता हूँ तो भी फंसूंगा, नहीं हाँ करता हूँ तो भी फंसूंगा। तो मजबूर होकर के सुधाकर ने मंजूर कर ली श्यामा की बात। क्या होता है कि हंसी हंसी मारे नैन कटारी, ओ हंसी हंसी मारे नैन कटारी, बाप फांसो
सुधाकर कहने लगा ठीक है मुझे तुम्हारी संत मंजूर है। आज इधर श्यामा और सुधाकर में प्रेम प्रसंग चलने लगा। सुधाकर अपने घर वापस लौट जाता है। श्यामा बड़ी हंसी खुशी से रहने लगी। इधर सेठ सुलोचन क्या करते हैं, दूसरे शहर में जा करके एक बहुत ही धनवान सेठ के पुत्र के साथ में अपनी बेटी की शादी पक्की कर देते। ध्यान दीजिएगा, उस समय का नियम यह था माताओं बहनों की शादी के पहले लड़का लड़की की आपस में दिखाई नहीं होती, तो श्यामा को यह बात पता नहीं चल पाई कि उसकी शादी पक्की हो गई। होता क्या है, इधर जब सेठ सेठानी ने दूसरे शहर में बहुत ही धनवान सेठ के पुत्र के साथ में अपनी बेटी श्यामा की शादी पक्की कर दी, माताओं बहनों शादी की तैयारी करने लगे। बोलो बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगी। और जब शादी की तैयारियां होने लगी, शादी का समय नजदीक आने लगा, तब श्यामा को ये बात पता चलती है तो वो अपने प्रेमी से मिलती और कहती है कि मैं दूसरी जगह से विवाह नहीं कर सकती। प्यारे बंधुओं, जो भी सुधाकर और श्यामा में सलाह होती है, उसके बाद समय बीता, शादी का दिन आ गया। शादी का दिन आ गया, सेठ सेठानी ने इतनी धूमधाम से तैयारियां की, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी और कोई दूसरा पुत्र या दूसरी संतान नहीं थी। जो कुछ करना था उसी बेटी की शादी में ही हर इच्छा पूरी कर ली। शादी का दिन आ गया माताओं बहनों, और बारात द्वार पे आ जाती। कैसे कि जब द्वारे पर आया तैयारी और इधर सभी लोग बारात के स्वागत सम्मान में लग गए, और उधर वो श्यामा और सुधाकर एक दूसरे से मिलते हैं और करते क्या है भैया। बारात के स्वागत सम्मान में सभी लोग लगे हुए हैं और वो आपस में सलाह करके चुपचाप चोरी से घर के पीछे के रास्ते से निकल पड़ते। स्वागत सम्मान में लग गए। इधर होता क्या है, दूल्हे को मंडप में बुलाया जाता है, सभी को हर प्रकार से सभी का स्वागत सम्मान किया जाता है। भोजन पानी से जब सभी निवृत्त हो गए, तब दूल्हा मंडप में जा करके बैठा, और जो भी विद्वान गण थे शादी कराने वाले, उन लोगों ने भाई आज्ञा दी कि सेठ जी जाओ अपनी बिटिया को लेकर आओ, जल्दी से लड़की को लेकर आओ, शादी संपन्न हो। लेकिन माताओं बहनों, जब सेठानी घर के अंदर जाती है, उस कमरे में जाती है जहां पर श्यामा थी, सेठानी घर के अंदर गई, गजब हो गया, देखा कि बिटिया घर में है ही नहीं। हर कमरे में ढूंढ लिया, पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन श्यामा नहीं मिली। पास पड़ोसियों के यहाँ देख लिया, लेकिन श्यामा नहीं मिली। गांव के किनारे घर के पास एक मंदिर था, वहां पर भी देख लिया, लेकिन श्यामा नहीं मिली। सेठ सेठानी का मन घबराने लगा कि आखिर मेरी बेटी आधी रात के बीच में कहां चली गई। सेठ सेठानी को चिंता होने लगी। इधर ये बात धीरे धीरे रिश्तेदारों को भी पता चल गई कि सेठ की बेटी घर में नहीं। धीरे धीरे ये बात बारातियों तक भी पहुंच गई
कि जिस लड़की की हम शादी करने के लिए आए वो लड़की तो घर में है ही नहीं। जैसे ही लड़के के पिता को ये बात पता चलती वो क्रोधित हो गया और बोला कि सेठ सुलोचन, तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी बदचलन है तो तुम क्यों अपनी बेटी का विवाह कर रहे थे? अरे आधी रात के बीच में तुम्हारी बेटी घर छोड़कर चली गई, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी बेटी कहाँ गई? प्यारे बंधु हो, ये बात पूरे रिश्तेदारों को पता चल जाती, पूरे बरातियों को पता चल जाती कि सेठ की बेटी तो घर छोड़ करके चली गई। बारात वापस हो जाती है माताओं बहनों, जिसके मुख में जो आता है वो बात कहता है। कोई गाली देता है, कोई थोकता है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। बारात वापस हो गई और जितने भी रिश्तेदार मेहमान थे सब वापस हो गए। अकेले सेठ सेठानी मंडप में बैठे और रो रहे हैं कि बेटी तूने क्या किया? अरे क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया? सेठ सेठानी रो रहे। माताओं बहनों समझना इस बात को कि उन माता पिता पर क्या गुजरेगी जिस पिता की बेटी की शादी हो और बारात द्वार पे खड़ी हो और बेटी ही घर छोड़कर चली जाए, उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी? आज रो रहे हैं सेठ सेठानी की बिटिया ये क्या किया तूने? कि ईश्वर तेरी मर्जी और कैसी बेटी हमारी है, हो जाते हैं। सेठ सेठानी रोते रोते पागल हो रहे हैं। इधर वो लड़की अपने प्रेमी के साथ में दूसरे शहर में जाकर के रहने लगी। घर से बहुत सा माल खजाना सोना चांदी भी लेके गई जिसे बेच बेच करके अपना जीवन यापन करने लगी। माता पिता की याद नहीं आई, माता पिता की बिल्कुल भी याद नहीं आई। सेठ सेठानी रोते रोते अंधे हो रहे हैं। जिधर भी निकलते हैं लोग ताने मारते हैं कि यही वो सेठ है जिनकी बेटी शादी के दिन बारात के दिन घर छोड़ के चली गई। सेठ सेठानी का जीना मुश्किल हो रहा है लेकिन वो लड़की दूसरे शहर में जाकर आराम से अपना जीवन बिता रही।